नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं नगर के निजी विद्यालय में आयोजित किए गए निर्गुण कवि सम्मेलन की। जिला प्रशासन तथा जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के तत्वाधान में नगर के एक निजी विद्यालय में निर्गुण कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक कवियों ने अपने कविता पाठ का जलवा बिखेरा। आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें नगर के प्रतिष्ठित अमन इंटरनेशनल स्कूल की तस्वीरें हैं। बता दें कि यहाँ संत कबीर एकेडमी, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन तथा जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के तत्वाधान में निर्गुण कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मैनपुरी सदर, विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार की मौजूदगी देखने को मिली थी। बेहद ही आकर्षक और भाव निर्गुण कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कवि सम्मेलन में विभिन्न जनपदों के नौ कवियों ने अपने कविता पाठ का जलवा बिखेरा था, जिसमें प्रियांशु गजेंद्र बाराबंकी से, ओमपाल सिंह लीडर फिरोजाबाद से, बलराम श्रीवास्तव, कौरव चौहान, मनोज चौहान मैनपुरी से, अपराजिता सिंह सुकाबाद से, मुकेश मणिकंचन फिरोजाबाद से, संगीता राज हाथरस से, रामायण धर द्विवेदी बस्ती से निर्गुण कवि सम्मेलन में अपना कविता पाठ करने के लिए आए थे। कवि सम्मेलन का शुभारंभ 9 मार्च के दिन शाम करीब 7 बजे से हुआ था, जो देर रात तक लगातार जारी रहा। यहाँ एक से बढ़कर एक कवियों ने अपनी कविता पाठ का जलवा यहाँ बिखेरा। इन कवियों में हास्य रस, वीर रस और तमाम रसों के कवि शामिल थे। वीर रस के जाने माने प्रसिद्ध कवि गौरव चौहान ने यहाँ अपनी कविताओं के पाठ से सर्दी के मौसम में मौजूद लोगों को गर्मी का एहसास दिलाने का काम किया। एक से बढ़कर एक कविता पाठ पर यहाँ मौजूद लोग तालियां बजाते देखे गए। समय बिताना छोड़ी और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेता हूँ। गीत की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ सभी। चोरी करके कोतवाल को उल्टा डांट लगाते, फिसल पड़े तो हर हर गंगे कहकर शीश झुकाते, बिना मरे ही स्वर्ग चाहते किंतु नहीं यह संभव जो सागर में गहरे उतरे। मेरी संस्कृति है और पर्यटन वालों ने इसको है सजाया मन से, पूरी यूपी में धूम धाम। मेरी संस्कृति है, ये सांस्कृतिक परिचय लेकर आने वाली ओजस्वी स्वर की बालिका के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं और बहुत